नी लिगामेंट इंजरी के पेशेंट्स जो मुझसे एक अक्सर एक ये सवाल पूछते हैं कि यदि मैं ACL सर्जरी नहीं करवाऊं तो इससे क्या होएगा, या मैं ACL रिकंस्ट्रक्शन अभी नहीं करवा के मैं कुछ समय बाद करवाऊं तो इससे मुझे क्या लाभ और क्या हानि हो सकते हैं। मैं 1000 से ज़्यादा ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करने के बाद अपने अनुभव पे के आधार पे ये बता सकता हूँ कि ACL सर्जरी के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें हम मोटा मोटा दो तरह के कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक वो पेशेंट्स जिनको लिगामेंट इंजरी है और इसकी वजह से अपनी रूटीन एक्टिविटीज करने में भी दिक्कत आ रही है, मतलब कि जैसे एक गृहिणी है और उसको सीढ़ियां उतरने चढ़ने में लचक आ रही है, चलते हुए गिरने का डर लग रहा है, कोई शॉपकीपर है तो उसे दुकान की सीढ़ियां चढ़ने में गिरने का डर लग रहा है, मतलब कि आपको इस कैटेगरी के पेशेंट्स वो हैं जिन्हें रूटीन एक्टिविटीज करने में दिक्कत आ रही है। मैं यहाँ खेलने या जंप करने या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की बात नहीं कर रहा, ये वो पेशेंट्स हैं जिन्हें अपनी रूटीन एक्टिविटीज करने में नी लिगामेंट इंजरी या ACL इंजरी की वजह से दिक्कत आ रही है। तो ये हुआ कैटेगरी वन। दूसरी तरह के वो पेशेंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें रूटीन काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चलने में, सीढ़ियां उतरने चढ़ने में, गाड़ी चलाने में उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, हाँ लेकिन उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने में दिक्कत आती है, मतलब कि यदि कोई फुटबॉल खेलता है तो उसे फुटबॉल खेलने में दिक्कत आ रही है, कोई रनर है तो उसे दौड़ने में दिक्कत आ रही है। तो इस तरह से ये दो कैटेगरीज के पेशेंट्स हैं। इनमें प्रमुख अंतर क्या है कि जो कैटेगरी वन है जिन्हें रूटीन एक्टिविटीज में भी दिक्कत आ रही है उनको मैं ये सलाह देता हूं कि उनके लिए ACL सर्जरी बिल्कुल मस्ट है, उन्हें ACL सर्जरी करवानी चाहिए। और ACL सर्जरी के इन पेशेंट्स में बहुत ही रिवॉर्डिंग, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स आते हैं, वो नियर रिकवरी, नियर 100% रिकवरी कर लेते हैं एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के बाद। सेकेंड कैटेगरी के जो पेशेंट्स हैं ये वो पेशेंट्स हैं जो अक्सर रूटीन ACL रिकंस्ट्रक्शन के बाद 100% सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स में मैं हमेशा ये पहले उनको ये सलाह देता हूं कि आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस करिए, एक प्री ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम को फॉलो करिए, मतलब कि मैं उन्हें एक एक्सरसाइज प्रोग्राम पे डालता हूं। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो इन एक्सरसाइज को करने के बाद ही बताते हैं कि हाँ अब उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और अब उनको लचक आना बंद हो गई है। तो यदि आप भी ACL लिगामेंट इंजरी के पेशेंट हैं, आपके घुटने में भी लिगामेंट टेयर है, तो आप पहले ये डिसाइड करिए कि आप जो दो कैटेगरीज मैंने बताई है आप उनमें से किस कैटेगरी में आते हैं। यदि आपको रूटीन एक्टिविटीज में भी दिक्कत है तो निसंदेह आप सर्जरी के लिए अच्छे कैंडिडेट हैं और सर्जरी के आप में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। यदि आपको सिर्फ हाई एंड स्पोर्ट्स में दिक्कत है, रूटीन एक्टिविटीज में दिक्कत नहीं है, तो पहले आप अपने सर्जन से बात करिए कि वो आपको प्री जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, सर्जरी से पहले का जो प्रोग्राम है उस पे लें और उसके बाद देखिए कि आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। हो सकता है आपको सर्जरी की जरूरत ना पड़े। आपको यदि ACL इंजरी या ACL सर्जरी से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी है कि आपको एक्सरसाइज प्रोग्राम के बारे में जानना है, आप यदि आपकी सर्जरी हो चुकी है तो कौन सी एक्सरसाइज करें, यदि आपको अभी इंजरी हुई है तो क्या करें, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए, हम इन क्वेरी का आंसर देंगे।